डिजिटल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की भरमार सी हो गई है, फिर चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब। आए दिन सोशल मीडिया में फेक फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाती हैं। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे वक्त में फेक न्यूज सबसे ज्यादा वायरल होती है। ऐसे वक्त में इन फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसी को लेकर गूगल ने गूगल न्यूज इनिशिएटिव कार्यक्रम की शुरुआत की है। नमस्कार, मैं हूं धनंजय नौटियाल और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। खबर देहरादून से है, जहां शनिवार को ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर गूगल न्यूज इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें के फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन के साथ ही डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल रहे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। गूगल के द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय कदम माना जा रहा है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है देहरादून में, उत्तराखंड में इस तरह का इवेंट फैक्ट चेकिंग पे पहली बार हो रहा है। और ये स्टार्ट, इसका मुहिम कहाँ से शुरू हुआ कि गूगल ने अनाउंस किया कि हम अराउंड 200 जर्नलिस्ट को और अकेडमिशियंस को ट्रेन कर रहे हैं इस पूरे मुहिम के लिए, जिसमें हमारी ट्रेनिंग हुई थी 5 दिन की। और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी ने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे भेजा वहाँ पे कि आप जाइए कीजिए और फिर इसको यहाँ पे आके स्टूडेंट्स के साथ करिए। तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाया और मैंने कहा कि क्यों नहीं हम यहाँ की प्रेस के साथ, यहाँ की मीडिया के साथ, उत्तराखंड में बहुत रीजनल मीडिया है जो ग्रो कर रहा है, और क्योंकि आपको पता है इलेक्शन का टाइम है और फेक न्यूज़ इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैलती है, तो इसीलिए हमने इसको पोल चेक 2019 का नाम दिया, जिसमें पूरे देश भर में ट्रेनिंग हो रही है और देहरादून में उत्तराखंड में ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे हमने पूरे दिन भर का सेशन रखा है। ऑल दो 5 डेज का सेशन था, लेकिन हमने इसको 5 दिन की जगह एक दिन में एक क्रैश कोर्स की तरह, जिसमें हमने फोटोग्राफ को कैसे वेरीफाई करें, एक वीडियो को कैसे चेक करें कि वो कितनी सही है या उसमें डॉक्टर्ड है या मॉक्ड है, और इसके अलावा यूट्यूब को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन में लाइव जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जैसा मुझे फीडबैक मिला आज के सेशन के बाद, बहुत सारी जानकारी लोगों को नहीं थी, स्पेशली मीडिया फ्रेटर्निटी को नहीं थी, पर उन्होंने कुछ टूल्स सीखे, कुछ टेक्निक सीखी जो वो वापस लेकर जा रहे हैं। और आई एम श्योर कि ये एक क्लासरूम के बीच में सीमित नहीं है, एक हॉल के बीच में सीमित नहीं है, ये अब लोग आगे बढ़ा के लेकर जाएंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है शुरुआत हमने की है और हम तो चाहेंगे कि इसको और शेयर हो, यहाँ तक कि आपको पता चला होगा कि यहाँ पे और यूनिवर्सिटी से भी लोग आए थे। गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव का टारगेट यही है कि जो आजकल फेक न्यूज़ भी फैल रही है, एक आम आदमी जो एक आम दर्शक होता है या आम सोशल मीडिया यूज़र होता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, उसे पता ही नहीं चल पा रहा है कि असली खबर क्या है और नकली खबर क्या है। इसका मकसद इस समय ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा फेक फैक्ट्स चलेंगी, उन फेक फैक्ट्स
फैक्ट्रीज के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा तैयार होकर के, कि हमें जनता को बताना पड़ेगा, यानी आपको हमको बताना पड़ेगा कि जो खबर आप देख रहे हैं ना वो खबर असली है कि नकली है। इसके इनिशिएटिव का मतलब यही है कि एक आम आदमी, एक आम पत्रकार जो कहीं भी बैठा है दूर-दराज इलाके में, वो फैक्ट चेकिंग सीखे और खुद से फैक्ट चेक करके अगर खबरों को बाहर निकालेगा तो अपने आप भी फेक न्यूज़ थोड़ी कम हो जाएगी। और भी आगे जाके बताएं, इसका पूरा मकसद यही है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान के अंदर जो फेक न्यूज़ है वो थोड़ी कम हो और अच्छा हो। मैम आगे जैसे कोर्सेज मास कम्युनिकेशन चलते हैं और कम्युनिकेशन के कोर्सेज चलते हैं, क्या यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एक फैक्ट चेक कम्युनिकेशन कोर्स भी आना चाहिए? अब जो जरूरत है, जो मेरी निजी राय है, देखिए ये जो सिलेबस बनता है या क्या होना चाहिए ये एक प्रॉपर एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जो आप भी जानते हैं। बिल्कुल है, मीडिया लॉ एंड एथिक्स की जिस तरीके से जरूरत ग्राउंड लेवल पे है इम्प्लीमेंट होने की, उससे ज़्यादा ज़रूरत डिजिटल को लेकर के लोगों की अवेयरनेस को है। और अगर आप फैक्ट चेकिंग सिखाएंगे तो पत्रकार ऐसा ही बनकर निकलेगा कि कभी गलत खबर पे फेवर ही नहीं करेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।